आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर है 1.13 इसको देखने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले बात तो यह कह देना चाहेंगे कि क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है असल में उतना है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखा जाए, जैसे कि ये एक एटम है ना। अच्छा ठीक है, एटम है, इसको एक स्फीयर के जैसा ट्रीट करना है, स्फीयर के जैसा ही ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर है। ठीक है, सेंटर में, सेंटर जो है एकदम बिल्कुल सेंटर के ऊपर है चार्ज मेरा प्लस जेड ई। ये जो प्लस जेड ई है इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा देखा जाए क्या है इसका मतलब। जेड जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के संख्या को ही हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है, जनरली इसको प्रोटॉन का संख्या कहा जाता है। तो जैसे ध्यान रखना है इसका चार्ज जेड ई क्यों हुआ उसको और अच्छे से समझते हैं। ई जो है, ई को हम लोग भली भांति जानते हैं, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इस इतना चार्ज को इस ई सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है, एकदम सेंटर है ना, ये छोटा सा क्या है, ये बिंदा सा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, एकदम सेंटर सा है। ठीक, एकदम सेंटर, सेंटर पर है कौन, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बात करते हैं, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, बारीकी से समझते हैं। एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होता है प्लस में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। दो प्रोटॉन पे 2 गुना इतना, 3 प्रोटॉन पे 3 गुना इतना, यानी कि 3e, 4 प्रोटॉन पे 4e चार्ज, 5 प्रोटॉन पे 5e चार्ज, 6 प्रोटॉन पे 6e चार्ज। तो एटम के पास कितना प्रोटॉन होता है, जेड। प्रोटॉन का जो संख्या है किसी एटम के पास उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड प्रोटॉन के पास कितना चार्ज, जेड ई चार्ज, जेड प्रोटॉन के पास जेड ई चार्ज। ठीक है, हर एक प्रोटॉन के पास ई चार्ज होता है, तो जेड प्रोटॉन के पास जेड ई चार्ज हो गया, जेड ई चार्ज प्लस में इस सेंटर पर है। अब आगे क्या कि इसमें हर जगह निगेटिव चार्ज इस तरीके से ऐसे फैला हुआ है, निगेटिव चार्ज इस तरीके से है, हर जगह निगेटिव चार्ज इस तरीके से है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ है, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है। एटम के चारों तरफ कौन सा चार्ज भरा हुआ है, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, ये सब निगेटिव चार्ज है, सारा जगह निगेटिव चार्ज भरा हुआ। ऐसा नहीं कि यहां पर नहीं है, फोटो में बस इतना सा गोल घेर दिया है और वहां पर कोई चार्ज नहीं दिखाया है, नहीं तो उसे कंफ्यूज नहीं करना है। सेंटर जो है सिर्फ ये जो बिंदा सा जो दिख रहा है सिर्फ इसी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वो कितना चार्ज है, प्लस जेड ई, प्लस जेड ई चार्ज, जेड प्रोटॉन का संख्या, ई प्रत्येक प्रोटॉन का चार्ज, मल्टीप्लाई कर दिए टोटल प्रोटॉन का चार्ज यानी टोटल न्यूक्लियस का चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है, मेरा नेट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का नेट चार्ज वो पता चला। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आप क्या कीजिए कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता कीजिए। सेंटर से कितना दूरी पर, आर दूरी पर, मान लिया जाए आर दूरी, सेंटर से आर डिस्टेंस जो है वो आर डिस्टेंस यहाँ पर है, मान लिए, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में कि सेंटर से आप आर दूरी पर यहां पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करो। बहुत आसान है एकदम, देखो कैसे पता करेंगे। ये जो जितना भी निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, सारा निगेटिव चार्ज कहाँ है, इस ये स्फीयर जैसा जो दिख रहा है इसके एकदम वॉल्यूम में भरा हुआ है। प्लम पुडिंग मॉडल याद होगा एटम का, उसी के जैसा, तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर जिस तरीके से सीड होता है ना बीज, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से निगेटिव चार्ज सब हर जगह है, हर जगह पूरा वॉल्यूम में बटा हुआ है। ठीक, हमको इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले
कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, इसका कैलकुलेशन किया हुआ रहना अच्छा होगा। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जब प्लेलिस्ट में आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसको जरूर कर लेना आप। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो हमको निकालना है, जब यहाँ पर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गॉस लॉ के अप्लाई करने से ही हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकेंगे। ठीक है, देख दिमाग लगाते कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो है मेरा ऐसा स्फेयर जैसा, ये इसका जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर, पूरा का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और ये जो निगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना है कि बाहर भी है और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी है निगेटिव चार्ज ना, निगेटिव चार्ज सब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है निगेटिव चार्ज ना। फिगर को देख करके जो कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसीलिए वह सवाल नहीं बनता है। निगेटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पर भी है निगेटिव चार्ज सब, और सेंटर के अंदर में एकदम भीतर में यहाँ पर भी है क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एकदम सेंटर पर है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बस, बाकी इसके अगल बगल हर जगह क्या है, निगेटिव चार्ज भरा हुआ है पूरा, एकदम निगेटिव चार्ज भरा हुआ है। हमको इस पॉइंट पर चाहिए, तो हम लोग जानते हैं जिस भी पॉइंट पर हमको क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होता है, वहाँ से होते हुए हम लोग एक गॉसियन सरफेस का खींचते हैं। और ये चूंकि स्फेयर है तो स्फेयर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही लेना पड़ेगा। जैसा ऑब्जेक्ट रहता है, चीज रहता है, उसी के जैसा ही हम लोग गॉसियन स्फेयर खींचते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा था, एक पॉइंट चार्ज चूंकि गोल होता है तो गोल ही खींचना पड़ा। इन्फानाइट रड है, रड एक सिलेंडर के जैसा होता है, तो इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, हमको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही लेना पड़ता है ना। प्लेलिस्ट में मेरा फर्स्ट चैप्टर का जो है उसके वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सब कुछ मिलेगा आपको ना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अलग अलग पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, उसको अगर आप कर लोगे तो एकदम इजी समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, अब इस पॉइंट पर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से होते हुए हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ा हमको, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, बारीकी से इसको समझना, एक गॉसियन सरफेस ऐसे हम लोग गोल सा ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस लिए, इस गॉसियन सरफेस से ही सारा समस्या का हमको समाधान मिलेगा। बहुत बारीकी से समझना इसको, यहां पर देखा जाए कैसे कैसे करके डील करेंगे सब कुछ हम लोग। अब ये एक गॉसियन सरफेस तो ले लिए ना, लिख तो दिए टैकिंग आ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस क्या, ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस का ये गॉसियन सरफेस खींच लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं, देखा जाए ये तो खींच लिए, अब उसके बाद क्या करना है हमको कि जब भी गॉस लॉ लगाना है तो गॉस लॉ को अप्लाई करने पर हम लोग तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, फ्लक्स में भी हमको यहां दिक्कत नहीं आएगा। हमारा जो दिक्कत होगा ना, वो सिर्फ और दिक्कत इस बात पर होगा कि हमने जो ये गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, सिर्फ यही हमारा मेन फोकस होगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में हमने चार्ज कितना रखा है, इसके अंदर चार्ज कितना है, ये अगर निकाल लो ना आप, तो ऐसे चुटकी बजा करके सवाल को सॉल्व कर लोगे आप। तो देखा जाए हम कैसे, सबसे पहले एनसीईआरटी उसी चार्ज पर ही फोकस किया है, तो हम लोग ये क्या करते हैं, चार्ज निकालने पर ही फोकस करेंगे। तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लिया जाए क्या, कोई पॉइंट है, जैसे कोई भी पॉइंट का नाम लिख दिए, पॉइंट है मान लिया जाए ए, पॉइंट क्या है ए है, ए है कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अब एक चीज़ देखा जाए अंदर में कितना चार्ज है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, अंदर में हमको एक चार्ज जो है वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव वाला, कौन सा पॉजिटिव वाला, एकदम जो सेंटर पे चार्ज है जेडी ना, वो चार्ज तो हमको दिखा,
एक प्रोटॉन के वजह से एक ई, दो प्रोटॉन के वजह से दो ई, जेड प्रोटॉन के वजह से जेड ई चार्ज सेंटर पर हमको दिख गया, ये तो क्लियर है। बाकी उसके अलावा पॉजिटिव जेड ई चार्ज के अलावा यहाँ अंदर में कुछ निगेटिव चार्ज भी है, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो पूरी तरह से नहीं फैला हुआ है, यहाँ अंदर में भी कुछ निगेटिव चार्ज है ना, जो कि एनसीईआरटी के फोटो देख करके लगता है कि नहीं है ना, यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी है, बाहर भी है, हर जगह। अच्छा ठीक है, लेकिन इस इतना सा वॉल्यूम में, ये एक स्फेयर जैसा खींचे हैं, लिए हैं, तो इतना सा वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज वॉल्यूम में बटा हुआ है, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम में बात देख लेते हैं हम लोग। मेरे प्लेलिस्ट में, फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को भी देख लेना। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम में, इसके वॉल्यूम में निगेटिव चार्ज कितना है, इसको अब पहले उसको भी कैलकुलेट करते हैं, फिर निगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज अंदर का निकल जाएगा। तो हम लोग सारा फोकस किस पे कर रहे हैं अभी, अंदर में, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर में कितना निगेटिव चार्ज है उसको निकालने में, देखा जाए कैसे निकालेंगे। तो एक चीज पहले देखा जाए ये जो पूरा गोल स्फीयर है, इस पूरा गोल स्फीयर जैसा जो है, इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना है, प्लस जेड ई, सेंटर पर निकले इसका। अच्छा, टोटल निगेटिव चार्ज जो है वो कितना है, टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, एटम में जानते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, तब ना न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके सेंटर पर उतना ही निगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है, तब ना दोनों मिला करके क्या होगा, न्यूट्रल। तो जो निगेटिव चार्ज है टोटल अमाउंट में वो कितना है, माइनस जेड ई, प्लस जेड ई पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर, उतना ही माइनस जेड ई निगेटिव चार्ज क्या है, पूरी तरह से फैला हुआ है, सिंपल। अब देखा जाए, अब अच्छे तरीके से इसको समझते हैं हम लोग। देखा जाए टोटल वॉल्यूम जो है स्फीयर का, उस वॉल्यूम में टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, माइनस जेड ई, तो इतना सा वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, वो पहले निकालेंगे, फिर उस निगेटिव चार्ज के साथ इस पॉजिटिव चार्ज को जोड़ देंगे, तो हमारा नेट चार्ज अंदर का निकल जाएगा, सारा खेल यहीं पर है। देखा जाए, दिमाग लगाते हैं, चूंकि सेंस लिख सकते हैं टोटल निगेटिव चार्ज इन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, अरे कितना वॉल्यूम में हम बात कर दिए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब का मतलब हम पूरा स्फीयर का बात कर रहे हैं, पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें जो टोटल अंदर जो टोटल निगेटिव चार्ज है पूरा, वो कितना चार्ज है, माइनस जेड ई, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के पास उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, तब ना न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसीलिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल निगेटिव चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ना, क्या लिख दिए कि इतना वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इतना वॉल्यूम में तो इतना निगेटिव चार्ज है पूरा, माइनस जेड ई, इतना निगेटिव चार्ज, तो एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा इसके, उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो ये यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इतना डिवाइडेड बाय क्या, इतना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि माइनस जेड ई डिवाइडेड बाय कितना, 4/3 पाए आर क्यूब, क्या लिखे, माइनस जेड ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाए आर क्यूब, इतना क्या किए, टोटल निगेटिव चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो हमको ये क्या मिल गया, निगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल गया, इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और इसको चाहे तो हम लोग रो से डिनोट कर सकते हैं, चाहे तो क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, रो से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कहीं पे लिख लेना, हम इधर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना है, ये साइड में इसको लिख लेना है। अच्छा, ये करने के बाद इसको यहाँ तक लिखेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा करके जगह बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा करके क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं, देखा जाए। अच्छा, अब देखा जाए, ये से ठीक है। तो क्या बोले, टोटल निगेटिव चार्ज इतना वॉल्यूम में तो इतना है पूरा स्फीयर के वॉल्यूम में, इसलिए निगेटिव चार्ज जो है, टोटल निगेटिव चार्ज
यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। अच्छा, इसीलिए फाइनली हमको चार्ज जो देखना है, निगेटिव चार्ज, वो तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम में ना देखना है, क्योंकि गॉसियन स्फीयर की बात करेंगे तो हम लोग क्यू इनसाइड जो फॉर्मूला लिखते हैं तो वो तो सिर्फ इतना ही अंदर का चार्ज लेते हैं ना, अंदर का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, तो इतना वॉल्यूम में कितना निगेटिव चार्ज है उसको देखते हैं। देयरफोर टोटल निगेटिव चार्ज इन कितना वॉल्यूम, इन वॉल्यूम 4/3 पाए, कितना का क्यूब करे बताया जाए, तो इतना वॉल्यूम में ना देखना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये छोटा वाला ये जो आर है इसका क्यूब करेंगे तब ना इतना का वॉल्यूम मिलेगा हमको। कि इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज पहले निकाले ये जाने हम लोग, निगेटिव चार्ज, फिर एक में कितना निकाले, फिर क्या किए, इतना में कितना होगा, अब क्या करना होगा, इतना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, इतना वॉल्यूम इन वॉल्यूम इतना कितना होगा ना, टोटल में इतना, एक में इतना, तो इतना में कितना, इतना गुना इतना करना पड़ेगा कि नहीं ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करते हैं तो ऐसे भी चार्ज आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जेड ई डिवाइडेड बाई क्या, 4/3 पाए कैपिटल आर क्यूब। अच्छा, सारा फोकस चार्ज पे किए हुए हैं, एक में एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना चार्ज, दो मीटर क्यूब वॉल्यूम में दो गुना इतना चार्ज, तीन मीटर क्यूब वॉल्यूम में तीन गुना इतना चार्ज, तो इतना वॉल्यूम में कितना, इतना गुना इतना चार्ज नहीं होगा, ये 4/3 पाए स्मॉल आर क्यूब, ये 4/3 पाए, 4/3 पाए कट जाएगा, 4/3 पाए, 4/3 पाए कट गया, तो क्या बचा, माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। देखा जाए ये कितना है, ये टोटल निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, टोटल निगेटिव चार्ज इन साइड गॉसियन सरफेस, ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल निगेटिव चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में टोटल हम लोग निगेटिव चार्ज जितना था उसका अमाउंट अभी निकाले, निगेटिव चार्ज जितना है उसका अमाउंट अभी निकाले। अच्छा, और देखो तो, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस कितना होगा, गॉसियन सरफेस, टोटल पॉजिटिव चार्ज गॉसियन सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज तो यही है मेरा, प्लस जेड ई, प्रोटोन वाला सारा प्रोटोन का चार्ज, ये कितना है, प्लस जेड ई, तो देयरफोर जो टोटल चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, हमको दोनों चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर का नेट चार्ज हमको मिलेगा ना, देयरफोर नेट चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस ये कितना हो जाएगा, हमको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, ये पॉजिटिव पहले हो जाएगा जेड ई, और ये क्या होगा, इसमें पॉजिटिव में इसको क्या करेंगे, निगेटिव को जोड़ेंगे तो घटेगा ना, ये वही चीज़ हो गया ना हमको, माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब और डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया टोटल मेरा चार्ज, जेड ई माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब बाय क्या, कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया क्या मेरा टोटल चार्ज अंदर में, तो क्या क्या किया, एक बार फट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कि जो टोटल निगेटिव चार्ज था पूरा बड़ा सा वॉल्यूम में वो हमको पता है, यूनिट वॉल्यूम में निकाल लिए, और उसके बाद जितना वॉल्यूम में निकालना था उससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिए, ये निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज तो जेड ई था ही, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, हमारा नेट चार्ज आ गया। अब नेट चार्ज आ गया हमारे पास, इसको अंदर में इसको हाथ में रखना है, इसको कहेंगे क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड अब आया एप्सिलॉन नॉट बराबर फ्लक्स, फॉर्मूला लगाएंगे आ जाएगा, अब तो खुद भी बना सकते हो, तो अब हम क्या करते हैं,
सिर्फ क्यू इनसाइड को हाथ में रखते हैं, बाकी सबको इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। सिर्फ वो क्यू इनसाइड जो है उसको हम लोग लेकर के यहाँ पर हाथ में रखेंगे और उसके बाद अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है, फट से स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और ये क्यू इनसाइड को हाथ में रखते हैं, तब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। आप अगर एनसीईआरटी को गौर करोगे तो एनसीईआरटी में भी क्यू इनसाइड यही वाला आया है ना, इस क्वेश्चन के राइट वाले पेज पे, क्या क्यू इनसाइड इतना ही है, यही हम लोगों ने क्या अभी कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं, सिंपल सा लिखेंगे, फ्रॉम क्या लिखेंगे, गॉसेस लॉ। गॉस लॉ से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गॉस लॉ से, देखा जाए। चूंकि सबसे पहली बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने जो ये गॉसियन सरफेस खींचा है, इससे यहाँ सेंटर से आर दूरी पर ये पॉइंट है, सेंटर से आर ही दूरी पर ये भी पॉइंट है, सेंटर से आर ही दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर ये भी पॉइंट है, आर ही दूरी पर हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट है। तो इस स्फीयर के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो तो एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी आर है। तो चाहे ये वाला पॉइंट रहते या ये पॉइंट बोलते या ये पॉइंट बोलते, हर पॉइंट तो एक ही जैसा होता ना, सिमिलर जैसा होता ना, एक ही जैसा लगता हमको क्या। अच्छा तो यहाँ लिख सकते हैं गॉसेस लॉ से क्या लिख सकते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इज कॉन्स्टेंट, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर दी सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर के पूरा सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म एक जैसा होगा, ठीक है। तो एक जैसा होगा तो हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कॉन्स्टेंट रहता है तब जो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए नहीं बल्कि ए कॉस थीटा लिखते हैं ना। तो एक बात हम लोग जानते हैं गॉस लॉ से क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनसाइड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता तब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक है, अब बहुत बारीकी से इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको निकालना है इस ए पॉइंट पर, ए हम नाम रख दिए, चाहे जो भी नाम रखना हो हम ए रख दिए, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, उसके बाद एरिया की बात करें तो एरिया, ये जो स्फीयर लिए हैं हम लोग, इस स्फीयर का जो एरिया होगा वो कौन कितना होगा एरिया, इसका स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यही स्फीयर का बात कर रहे हैं ना, सरफेस का, ठीक है। अब एंगल कितना होगा, दिमाग लगाया जाए ये एंगल कितना होगा, तो देखा जाए जरा सा, ये जो अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो किधर होगा बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर जितना भी अंदर में निगेटिव चार्ज है वो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो, अंदर की तरफ हो, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनाता है, ठीक। लेकिन अंदर में जेड ई चार्ज है ना, और पॉजिटिव चार्ज का मात्रा कितना है जेड ई, लेकिन जो निगेटिव चार्ज है उसका मात्रा, यहाँ अंदर में जितना भी निगेटिव है उसका मात्रा इस प्लस जेड ई से कम है, क्योंकि टोटल जो है, टोटल निगेटिव चार्ज का जो मात्रा है वो है जेड ई, टोटल निगेटिव चार्ज का जो मात्रा है वो है माइनस जेड ई, लेकिन इतना सा जो स्फीयर है इसमें जो निगेटिव चार्ज का जो मात्रा है वो इस पॉजिटिव जेड ई से क्या है, कम है ना। देखना है ये जो अंदर में, इस स्फीयर के अंदर में जितना भी निगेटिव चार्ज है उस निगेटिव चार्ज का जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट से क्या है, कम है। तो निगेटिव चार्ज क्या चाह रहा है, अंदर का इतना सा जो निगेटिव है, बाहर का हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम अंदर का बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ अंदर की वजह से ही होता है ना, गॉस लॉ में क्यू इनसाइड पे ही डिपेंड करता है। तो निगेटिव चार्ज चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो, और पॉजिटिव चार्ज जो कि ज़्यादा है मात्रा में वो क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर तो वो किधर होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। और रही बात एरिया फैक्टर की, तो एरिया फैक्टर तो मेरा सर्फेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर,
एरिया वेक्टर तो मेरा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। इसलिए बहुत सारा डेरिवेशन करना जरूरी है। थिन स्फेरिकल सेल वाला डेरिवेशन किया हुआ होगा ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से किया हुआ होगा, तो ये सब बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री। अब हम लोग जो है ये क्यू इन साइड जो है, अब हम लोग जो है क्यू इन साइड जो है उसका जो वैल्यू यहाँ हम लोग जो निकाल करके रखे हुए हैं, इस वैल्यू को वहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। ये जो क्यू इन साइड का जो वैल्यू जो हम लोग निकाल करके रखे हैं, इस वैल्यू को वहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं ज़रा सा। तो ये तो जेड ई ठीक है, माइनस जेड ई इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल आर क्यूब। ये टोटल चार्ज तो लिख दिए, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक, अब एक काम करते हैं। अच्छा ये तो मेरा टोटल क्या है, क्यू इन साइड है ना। अच्छा ये 1/ε0 से गुना जैसा है कुछ, e इंटू देखा जाए ये क्या है, इसको 4πr² ही छोड़ते हैं। cos 0 का मान होता है कितना, 1, इन सब को गुना करके वैसे ही रह गया। अच्छा इस टर्म को थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये टोटल चार्ज लिख सकते हैं, जेड ई माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब आर डिवाइडेड बाई क्या, कैपिटल आर क्यूब ना। इतना टोटल क्या है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट से गुना है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, सबके नीचे में, एप्सिलॉन नॉट सबके नीचे में। और ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते थे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और गुना क्या, क्यू इनसाइड, वही तो किए हैं, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और गुना क्या, क्यू इनसाइड, वही। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अलग कर लिए, क्योंकि हमको पूरा एग्जैक्ट आंसर तक पहुँचना है, ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर आया है वहाँ तक। तो अब यहाँ से ही 4π को इधर लिख करके जाते हैं, इनटू क्या करते हैं, आर स्क्वायर को इधर ही रखने देते हैं, पहले क्या करते हैं, 1 बाय ये 4π को जैसे ही इधर लेकर के जाएंगे, तो ये 4π डिवाइड में आ जाएगा, 4π ε0। अच्छा ठीक है, इनटू में क्या होगा, इधर ये जेड ई माइनस क्या है, जेड ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल आर क्यूब। अब एक काम करते हैं, इस आर स्क्वायर को इधर नीचे लेकर के जाते हैं बारी बारी से, बढ़िया से, 1 बाय 4π ε0, एकदम स्टेप बाय स्टेप सबको समझ लेते हैं। इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड में चला गया। अब उसके बाद देखा जाए, जेड ई माइनस जेड ई इंटू स्मॉल आर का क्यूब आर डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ तक पहुँच गए, अब हमको क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर कैसे पहुँचना है वो भी देखते हैं। तो पहले फटाफट से क्या करना है, इसको लिखा हुआ होना चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखे तो लिख लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा रहे हैं, और मिटा करके फिर इससे आगे बढ़ते हैं आप कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ तो देखा जाए ज़रा, जैसे कि ये तो ठीक है, अब इस आर स्क्वायर को क्या करते हैं, इधर इससे और नीचे, और नीचे नीचे क्या होगा, ये नीचे वाला दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले टर्म से, तो ई बराबर हो जाएगा 1 बाय 4π ε0, ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जेड ई बाय क्या, आर स्क्वायर माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये जब अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो इससे इससे दोनों से ना होगा, तो आर स्क्वायर इंटू क्या, कैपिटल आर क्यूब। ये आर स्क्वायर 2 गो है, यहाँ पर आर क्यूब यानी 3 गो है, तो ये 2 गो से इधर का 2 गो कट जाएगा, तो एक आर बचेगा, यहाँ पर एक स्मॉल आर क्या होगा, बच जाएगा। तो ई बराबर 1 बाय 4π ε0 इंटू जेड ई डिवाइडेड बाय क्या है, ये आर स्क्वायर और माइनस, ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, जेड ई डिवाइड जेड ई इंटू एक आर बचा, आया नीचे का क्या है, आर क्यूब है, आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया ना। इसको चाहते तो ऐसे इस क्यूब से काट सकते थे, सिर्फ वहाँ क्या बचेगा, आर। अच्छा ई बराबर, अब देखा जाए ये जेड ई और जेड ई कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, जेड ई डिवाइडेड बाय 4π ε0 इंटू 1 बाय r² माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल r क्यूब। यही है मेरा क्या, एग्जैक्ट आंसर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद भी हमको कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्या देखते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये स्मॉल r क्या है, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है, कैपिटल r क्या है,
रेडियस है, जेड हो गया प्रोटॉन का संख्या, ई हो गया हर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब, 4π ε को पहचान रहे, 1/4π ε0 मेरा के कहलाता है, जिसको कि कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ होता है, 1/4π ε0 मेरा 9 × 10⁻¹⁹ होता है। अब इसको यहाँ मिटाते हैं, देखते हैं आगे एक और चीज़ छोटा सा है, आगे और एक चीज़ बोला है क्या कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, अगर हमको क्या बोलता कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो कहाँ पर, बाहर वाले पॉइंट पर, कहाँ पर बोलता, एक सेकेंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता क्या कि आप बाहर वाले किसी पॉइंट पर निकालो, सेंटर से कितना दूरी पर, मान लो ये आर डैश, आर डैश का मतलब समझ लिए कि कोई बाहर वाले पॉइंट पर, ठीक है, बाहर में कोई पॉइंट है, क्या है, पी, इस बाहर वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाहर वाले पॉइंट पर, तो क्या करना पड़ता है हमको, इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पर अगर हमको निकालना होता तो बाहर वाले पॉइंट से होते हुए क्या करते, एक गॉसियन सरफेस ऐसे खींचते ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट की बात करें अगर, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए खींचते, तो जैसे ही खींचते तो हमको क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते, तो गॉस लॉ लिए, गॉसियन सरफेस फॉर्मूला क्या लिखते हैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ देखा जाए तो इसके अंदर में, स्फीयर के अंदर में नेट चार्ज यहाँ पर कितना होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही तो निगेटिव चार्ज है ना, तब ना एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है जेडी उतना ही माइनस जेडी, नेट चार्ज तो उतना ही है ना, इस पूरा बड़ा अंदर के अंदर में देखेंगे तो नेट चार्ज जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो, तो ई ए कॉस थीटा बराबर अंदर का चार्ज क्या है, जीरो बटे क्या एप्सिलॉन नॉट, ये तो सर्व क्या हो गया, सारा टर्म इधर मेरा क्या हो गया, जीरो, तो क्या कहते हैं ई ए कॉस थीटा, क्या कहते हैं ई ए कॉस थीटा की बात करें तो ये भी क्या है, जीरो, क्या कहते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ये सब इसके डिवाइड में जाएगा तो मेरा क्या फाइनल आंसर आएगा, ई बराबर जीरो आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर में जीरो आएगा ना। सिमिलरली हम लोग आगे भी बोल सकते हैं, सिमिलरली फॉर पॉइंट ऑन द सरफेस, सिमिलरली फॉर पॉइंट ऑन द क्या सरफेस, ये सरफेस वाले पॉइंट पे अगर बात कर रहे होते, ये वाला पॉइंट पे नहीं बल्कि कहाँ पर बात कर रहे होते, अगर मान लिया जाए कहाँ पर, यहाँ पर अगर सरफेस पर बात कर रहे होते इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम अगर बी बोल दिए, तब भी यहाँ से होते हुए हमको क्या करना पड़ता, एक गॉसियन सरफेस ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ता, और तब भी हमारा इस स्फीयर के अंदर में नेट चार्ज क्या होता, जीरो ही होता, तब भी हम लोग क्या करते, ई ए कॉस थीटा बराबर क्या क्यू इनसाइड बाय क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, फिर से मेरा ई ए कॉस थीटा बराबर जीरो बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए ई बराबर क्या आ जाता, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मेरा क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो सरफेस वाला पॉइंट हो चाहे बाहर वाला पॉइंट हो, दोनों की स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या होगा, जीरो होगा, स्ट्रेंथ अंदर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा जेड ई बाय 4π ε0 × 1/r² - r / r³। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन हम लोग किए हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो और भी क्या कहते हैं, अगर चैप्टर से रिलेटेड अगर वीडियोस वगैरह चाहिए, जैसे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऑप्टिक्स वगैरह हर चीज़ का, सब सारा चीज़ का, तो सॉल्यूशन वगैरह चाहिए, पूरा चैप्टर वाइज अगर पढ़ाई चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।